लॉनी के वार्ड नंबर एक के अंदर जहाँ के सभासद हैं चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, असेंबली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चरण सिंह जी, आप बहुजन समाज के नेता हैं और लॉनी के अंदर आपको सभी जनता ने सराहने से आज आप नेता बने हैं। और बहुजन समाज का जो अभी निर्णय रहा है, जिसमें कांग्रेस का समर्थन से महन जी ने गठजोड़ का बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर क्या बहुजन समाज पे इसकी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा 2019 के इलेक्शन में? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बहन जी का जो निर्णय है सब जनता मानती है। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं बहन जी के पीछे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। बहन जी का जो निर्णय है वो बहुत अच्छा निर्णय है। सब अब की बार जो 2019 में लोग जो है सब बहन जी के साथ हैं। और जो थोड़ा बहुत बात है, बहन जी ने अखिलेश से समझौते की बात चली रही है और जो मोमडन लोग हैं और हमारे जो ऐसे लोग हैं वो सभी साथ हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बार तो ये राजनीति है ये बहन जी की। अखिलेश ने कह दिया है जो दो कदम जो बुआ जी चाहेंगे तो हम दो कदम पीछे हट जाएंगे, तो अखिलेश तो बहन जी के लिए तैयार ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। इस बार आपको लगता है कि जो 2019 का इलेक्शन है पूर्ण बहुमत से मायावती की सरकार आएगी? जी बिल्कुल। अभी किसानों को ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, जिनको लेकर कहा जाता है कि क्या अपने किसान इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या अपनी आवाज़ रखने का भी अधिकार नहीं है इस देश के अंदर? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। यही आज जो किसान हमें खाने को रोटी दे रहा है, उसी किसान को इस देश में आवाज़ रखने का अधिकार नहीं हो रहा है। उसको आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर डंडों से प्रहार कराया जा रहा है, उनको फायर ब्रिगेड से खदेड़ा जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी इंजरी भी हुई। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो, ये तो मोदी सरकार बहुत गलत कर रही है। जो अन्नदाता है, जो किसान हमें अनाज देते हैं, गन्ना देते हैं, चीनी है, सब चीज़ उत्पादक वहीं से हो रहा है। वही चीज़ वो लोग नहीं आएंगे तो फिर देश कहाँ से चलेगा?